हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। और रियल एनालिसिस के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले प्रिंसिंस थ्योरम। ठीक, ये जो थ्योरम है हेल्पफुल होता है टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंसी के लिए। सीरीज के जो टेस्ट होते हैं उसके कन्वर्जेंसी के लिए जो है हेल्पफुल होता है, और उसी के लिए हम करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टेटमेंट क्या है इसको हम प्रिंसिम टेस्ट भी कहते हैं। तो इसको अगर कर लेंगे तो हो सकता है कि हमारे लिए थोड़ा सा जो कन्वर्जेंसी है किसी किसी सीरीज में हमें हेल्पफुल मिल जाए, मतलब हमें हेल्पफुल हो। तो ये जो टेस्ट है ये एक्चुअल में थ्योरम के साथ साथ एक टेस्ट भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, किसके लिए? टेस्ट फॉर कन्वर्जेंसी, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। प्रिंसिम्स थ्योरम, इफ अ सीरीज समेशन ए एन ऑफ पॉजिटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग टर्म्स कन्वर्जेस, देन नॉट ओनली ए एन टेंड्स टू जीरो बट ऑल्सो, इसको आप ऐसे लिख सकते ए एन टेंड्स टू जीरो बट ऑल्सो एन डॉट ए एन टेंड्स टू जीरो एज एन टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, द कंडीशन एन डॉट ए एन टेंड्स टू जीरो इज ओनली अ नेसेसरी कंडीशन, नॉट अ सफिशियंट कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ सीरीज। इफ एन डॉट ए एन डज नॉट टेंड्स टू जीरो देन द सीरीज समेशन ए एन इज डाइवर्जेंट। देखो, हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ एक स्टेटमेंट था जो कि आई थिंक आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए अब हम जो है यहां पर बात करते हैं कि जो ये थ्योरम है एक्चुअल में बता क्या रहा है। ठीक है ना, तो उस पर हम अभी जो है डिस्कस करते हैं। देखो, थ्योरम ये कह रहा है कि अगर हमारे पास एक सीरीज है, एंड सीरीज क्या है? सीरीज जो है समेशन ऑफ ए एन टाइप का सीरीज है। क्लियर, समेशन ऑफ ए एन टाइप का सीरीज है। अब ये कहा जा रहा है कि जो ए एन है ना, ये ए एन है, अगर ये ए एन देखो जीरो पर जा रहा है, मतलब लिमिट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लिमिट, ए एन जीरो पर जा रहा है। सिर्फ ए एन जीरो पर नहीं जाएगा बट ऑल्सो जो हमारे पास एन इंटू ए एन टाइप के जो होंगे ना, वो भी हमारे क्या हो जाएंगे? जीरो पर जाएंगे। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि अगर लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट ए एन जो है जीरो पर जा रहा है, तो सिर्फ ये जीरो पर नहीं जाएगा बट ऑल्सो लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एन इंटू ए एन ये भी हमारा जो है जीरो पर ही जाएगा। क्लियर है? तो ये जो है थ्योरम का स्टेटमेंट है, समझ आया? अगर ये कन्वर्ज कर रहा है तो इस प्रकार से जो एन डॉट ए एन है वो भी जीरो पर जाएगा तो कन्वर्ज करेगा। ठीक, दूसरा इन्होंने ये कहा था कि जो ये हमारे पास ये कंडीशन है, ठीक है, ये जो कंडीशन हमारे पास दिया हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ आपके एक नेसेसरी कंडीशन है, नॉट अ सफिशियंट कंडीशन। चलिए इस पर बात करते हैं कि ये जो सफिशियंट और नेसेसरी कंडीशन का है यहाँ पे, ये क्या कह रहा है, चलो इस पर डिस्कस कर लेते हैं। मतलब ये एक नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन मतलब क्या है कि इफ देखो लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट ए एन देखो अगर जीरो पर है, लेकिन बट जो हमारे पास लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एन इंटू ए एन ये जो है जीरो पर नहीं है, मतलब ये जीरो पर नहीं जा रहा है, डज नॉट टेंड्स टू जीरो देन द सीरीज, तो हम ये कहेंगे देन द सीरीज समेशन ऑफ ए एन इज डाइवर्जेंट। ठीक, कन्वर्जेंट नहीं कहेंगे हम उस कंडीशन में, उसको डाइवर्जेंट में काउंट करेंगे। क्लियर है? तो ये था हमारा थ्योरम का स्टेटमेंट। क्या था, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। अगर हमारे पास कोई सीरीज है पॉजिटिव टर्म, ठीक है, पॉजिटिव टर्म का यहां पर पॉजिटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग टर्म वाले सीरीज कहेंगे हम। ठीक, पॉजिटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, मोनोटोनिक क्या होता है वो आपको मैंने बता रखा है। ठीक है, तो
उसके लिए क्या है कि अगर हमारे पास इस टाइप का सीरीज है तो सिर्फ और सिर्फ ये हमारा कन्वर्जेंस नहीं होगा जीरो पर, साथ में ये वाला भी कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, अगर ये जीरो पर है तो ये भी हमारा जीरो पर जाएगा। ठीक, तो जाकर के हम उसको सीरीज को क्या कहेंगे, वो कन्वर्जेंट होगा। दूसरा, इन्होंने सब ये बता रखा है कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारा नेसेसरी कंडीशन है, नॉट अ सफिशियंट। ठीक, नेसेसरी मतलब क्या है कि या इधर से तो होल्ड हो रहा है ये, लेकिन इस पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अगर जीरो पर जा रहा है तो ठीक है, कन्वर्जेंट होगा सीरीज। अगर जीरो पर नहीं जा रहा है तो उस कंडीशन में वो सीरीज जो है हमारा क्या हो जाएगा, द सीरीज विल बी डाइवर्जेंट, नॉट अ कन्वर्जेंट। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें हम जो है ना एग्जाम्पल ऐड करते हैं, सबसे बढ़िया है, इसी के हेल्प से हमें थोड़ा समझने में अच्छा होगा। ठीक है, देखो एक हमारे पास एग्जाम्पल हमने फर्स्ट लिया है जो कि समेशन ऑफ 1/n जो है ये हमारा डाइवर्जेंट है एज n डॉट 1/n टेंड्स टू जीरो। देखो यहां पर क्या है, सबसे पहले तो हम ये देख सकते हैं कि जो हमारे पास समेशन, देखो ये दिया हुआ है समेशन 1/n जो है ये हमारा एक्चुअल में क्या है, पॉजिटिव एंड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग टर्म है। पॉजिटिव पॉजिटिव भी है एंड मोनोटॉनिक भी है, तो यही तो देखना हमें, मोनोटॉनिक भी है होना चाहिए। ठीक है, मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग टर्म है ये। ठीक, ये इसका जो है मेन पार्ट है। अगर इस टाइप का सीक्वेंस है तो जाकर के ये जो प्रिंसिंग थ्योरम है वो हमारा काम आएगा, है हेल्पफुल होगा। ठीक, ये चीज हमें फाइंड आउट करना जो है सीखना पड़ेगा कि जो सीरीज है वो हमारा मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग, पॉजिटिव मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग वाला है या नहीं है, ये देखना होगा। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि देखो ये जो हमारे पास सीरीज दिया हुआ है 1/n, समेशन 1/n टाइप का, तो इसकी अगर मैं बात करूँ, देखो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट निकालो। सबसे पहले लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, an पर लगाते हैं ना हम, देखो समेशन an नहीं हो, an पर लगाते हैं, तो an हमारे पास क्या है, 1/n है, विच टेंड्स टू जीरो, जो कि जीरो पर जा रहा है। बट यहां पर हम एक चीज देखेंगे, ये एक चीज देखेंगे कि जो हमारे पास लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एन इन टू 1/n हो रहा है वो हमारा जीरो पर नहीं जा रहा है, मतलब डज नॉट टेंड्स टू जीरो, किस पर जा रहा है, ये वन पर जा रहा है। ठीक है ना, इट इज इक्वल टू वन, तो ये जीरो पर नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या है, जो हमारा देयरफॉर समेशन ऑफ 1/n इज क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। इस ये वाले जो सीरीज है इसका डाइवर्जेंसी होने के लिए अलग अलग टेस्ट के हेल्प से हम इसको दिखा सकते हैं कि जो भी पर्टिकुलर सीरीज है वो हमारा कैसा है, डाइवर्जेंट है। क्लियर, वो हमारा डाइवर्जेंट है। इसको पी सीरीज टेस्ट के हेल्प से भी आप प्रूव कर सकते हो। ठीक है, मतलब बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है, आप इसके कई सारे आप टेस्ट इसमें लगा करके बता सकते हो कि जो सीरीज है वो हमारा डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया ये वाला एग्जाम्पल मैंने क्या बताया। ये जो है हमारा सिर्फ और सिर्फ नेसेसरी कंडीशन है, नॉट अ सफिशियंट। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, सब नेसेसरी का मतलब यही हुआ कि भैया इस साइड में तो ये ठीक है, ये जा रहा है जीरो पे, लेकिन ये जीरो पे नहीं जा रहा है। कन्वर्जेंस होने के लिए दोनों ही तरफ से जीरो होना चाहिए, जीरो पर कन्वर्ज करना चाहिए। देख लो ना आप, अगर इस साइड से आप जाओगे तो यही चीज तो यहां पर बताया था कि ये जो हमारे पास है वो इससे कैंसिल होने के बाद वन दे देगा, तो जीरो पर तो नहीं जा रहा है। इसका मतलब जो सीरीज हो जाएगा वो हमारा डाइवर्जेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास सीरीज है उस पर हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा आई थिंक और क्लियर होगा आपको इस वाले एग्जाम्पल से, है ना। देखो देखो ये जो हमारे पास ए एन दिया है, ए एन हमारे पास क्या है, ए एन हमारे पास आ रहा है 1/n log of एन टाइप का आ रहा है। अब आपको पता है कि इसमें हम अगर लिमिट लगाते हैं, इसमें लिमिट जो मैंने आपको बताया था तो उस टाइम मैंने ये चीज़ भी बताया था आपको कि जो ये है वो हमारा किस पर जाता है, जीरो पर जाता है, एन लॉग ऑफ एन। क्लियर है, तो ये तो हमारा देखो जीरो पर चला जाएगा। ठीक, बट हम देखेंगे कि जो हमारे पास इसका एन इंटू करके आ रहा है क्या है, लिमिट लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एन इंटू 1/n लॉग ऑफ एन, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा जीरो पर नहीं जाएगा। क्लियर, ये हमारा जीरो पर नहीं जाएगा। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं
कि जो हमारे पास सीरीज आ रहा है वन अपॉन एन लॉग एन इज नॉट कन्वर्जेंट, इट इज डाइवर्जेंट। ठीक है, इट इज डाइवर्जेंट। तो होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ गया है। कहीं पर अगर डाउट आ रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है मेरे से डायरेक्टली डिस्कशन कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, और नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहाँ पर हमने ऐड किया है, और ये जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन वन है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। तो ये जो सीरीज़ है वो आपके बताने कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सीरीज़ हमारे पास दिया हुआ है वो ए एन हमारे पास क्या दिया हुआ है। ठीक, सॉल्यूशन ए एन, सिंस ए एन इज कॉस वन बाई एन टाइप का हमारे पास दिया है। तो देखो अगर लिमिट हम यहाँ पर अप्लाई करें, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, जो ए एन है वो हमारा क्या है कॉस वन बाई एन टाइप का है। और आपको पता है कि जो ये जो हमारे पास जो सीक्वेंस है वो अगर हम उसको इनफाइनाइट टर्म तक, देखो कॉस इसको हम ऐसे कर सकते हैं ना कि कॉस वन बाई वन प्लस कॉस वन बाई टू, मतलब इस टाइप से हम अगर इसको आगे तक लेके जाएं तो ये हमारा इनफाइनाइट जो है मतलब बनेगा। ठीक है ना, ये वन को अप्रोच कर जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इज इक्वल टू वन आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक पर आएगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो थ्योरम है वो क्लियरली स्टार्टिंग में ही इन्होंने मना कर दिया है कि ये जो है जीरो पर नहीं गया, डज नॉट टेंड्स टू जीरो। ठीक, यहाँ पर ऐसे कह सकते हो डज नॉट टेंड्स टू जीरो। तो जीरो पर ये गया ही नहीं है। अब जीरो पर अगर नहीं गया है तो उस कंडीशन में जो हमारे पास जो सीरीज होगा वो डायरेक्टली यही बता रहा है कन्वर्जेंट नहीं है। देखो अगर ये जीरो पर जाता तब जा करके हम ये चेक करते हैं ना कि n इंटू कॉस वन बाई एन टाइप का जो सीरीज है वो क्या करेगा, उस पर हम बात करें। अब यहाँ पर जीरो पर गया ही नहीं है तो उस कंडीशन में हम डायरेक्टली बता सकते हैं दिस इम्प्लाई सीरीज कॉस वन बाई एन इज डाइवर्जेंट। ठीक है, डाइवर्जेंट। तो ये है इस क्वेश्चन का मतलब और इस थ्योरम का मतलब कि दोनों ही तरफ से हमारे जो है वो जीरो पर जाना चाहिए लिमिट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि ये जो सीरीज है इनफाइनाइट सीरीज है वन बाई ये ए एन जो हमारे पास है वो एक्चुअल में वन बाई एन रेस टू द पावर वन बाई एन टाइप का सीरीज दिया है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो वन बाई एन रेस टू द पावर वन बाई एन, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा। अब अगर हम इसमें लिमिट अप्लाई करें, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट ए एन, ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट वन बाई एन रेस टू द पावर वन बाई एन, और ये जो हमारा होगा वो वन पर जाता है। आपको पता है कि इनफाइनाइट रखेंगे जीरो पर वन हो जाएगा, तो ये वन पर जाएगा। ठीक, और ये जीरो हमारा नहीं जा रहा, जीरो पर नहीं जा रहा, वन पर जा रहा है। तो उस कंडीशन में जो हम ये कह सकते हैं कि जो सीरीज है दिस इम्प्लाई समेशन ऑफ वन अपॉन एन रेस टू द पावर वन बाई एन इज क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। क्लियर, डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो आई थिंक ये जो थ्योरम है जो मैंने आपको बहुत अच्छे से, ठीक है, और कहीं पर अगर थोड़ा बहुत भी आपको डाउट रहा है, मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को अगर आपने अच्छे से देखा है तो इस पर्टिकुलर थ्योरम में आपको किसी प्रकार कोई डाउट रहा होगा। ठीक है ना, और अपना एक वैल्यूबल फीडबैक मुझे ज़रूर दे। चैनल पर नए हैं तो इसको आप लोग जो है सब्सक्राइब करिए, और वीडियो सही लगे इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।